एक दफ्तर है जिसमें 5-6 लोग काम करते हैं। इन 5-6 लोगों की कंपनी ने दावा किया कि हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है जिससे पूरी दुनिया का डेटा हमारे पास आ गया है। डेटा उस बीमारी से जुड़ा जिसका कोई इलाज नहीं। उस डेटा के आधार पर 2 बड़ी दवाओं के कॉम्बिनेशन को सिरे से खारिज कर दिया गया। भारत के जो निर्यात के बड़े सपने थे, शायद उनको भी झटका लगा। क्या है ये पूरी कहानी? और अब उस डेटा पर, उस कंपनी पर और उनको प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं पर नाना प्रकार के सवाल क्यों उठ रहे हैं, और इन सब का COVID-19 बीमारी से क्या संबंध है, बताएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और यह है लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। दुनियादारी में सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी अमरीका से, यहाँ पेंटागन यानी अमरीका के रक्षा मुख्यालय ने राष्ट्रपति ट्रंप से किनारा कर लिया। ट्रंप चाहते हैं कि अमरीका में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए सेना बुलाई जाए, लेकिन सेना का कार्यभार, जो कि पेंटागन के अंतर्गत आता है और जिसकी बागडोर है डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर के पास, उन्होंने 3 जून को स्पष्ट कर दिया कि प्रोटेस्ट के आगे सेना के इस्तेमाल की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरी सुर्खी साउथ कोरिया से है, उसकी अपने पड़ोसी उत्तर कोरिया से फिर ठन गई। हुआ यह कि साउथ कोरिया के कुछ प्रदर्शनकारियों ने किम जोंग उन के खिलाफ बॉर्डर पार पर्चे फेंके। इससे नॉर्थ कोरिया भड़क गया और धमकी दे दी कि अगर इस तरह की हरकतें नहीं रुकी तो मैं साउथ कोरिया के साथ सैन्य समझौता खत्म कर लूँगा। पहले भी कई बार दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र समर्थक एक्टिविस्ट नॉर्थ कोरिया में तानाशाही खत्म करने से जुड़ी पर्चियाँ डालकर बॉर्डर पर बलून छोड़ते आए। तीसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है, यहाँ प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्थानीय मकान मालिक आए और प्रधानमंत्री से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ा सा घास से दूर हो जाएंगे? नाराज मकान मालिक की शिकायत थी कि प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते वहाँ की घास खराब हो जाएगी। उनकी बात सुनकर प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी और पत्रकारों को वहाँ से हट जाने को कहा। इस पूरे एपिसोड में सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? प्रधानमंत्री मकान मालिकों को राहत देने से जुड़े ऐलान ही कर रहे थे। भारत में सोचिए ऐसा हो, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो दूर की बात, कोई छुटवैया नेता भी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो और कोई आदमी जेन्युइन शिकायत कर दे तो हमारे बुंदेली लहजे में कहें तो मूड़ थप्पड़ी हो जाती है। कितना कुछ सीखना है अभी हमारे लोकतंत्र को। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। हम आध्यात्मिक टोन में बात करते तो कहते दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हम खबर नवीस हैं और जेंजी के ज़माने के हैं, मिलेनियल्स के ज़माने के हैं, तो कई बार हमें दाता डेटा सा नज़र आता है। डेटा मतलब आंकड़े जिन्हें किसी खास जानकारी के लिए जुटाया जाए। डेटा आज की तारीख में ईश्वर है, प्रभु है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा गीक कहते हैं। इस डेटा की क्या खासियत होती है? इसकी जांच होती है, निरीक्षण होता है और फिर इसकी जानकारी के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। सोचिए अगर डेटा गलत हो तो फैसला गलत और अप्रभावी हो जाएगा। क्या ऐसा ही कुछ कोरोना से जुड़े फैसलों के साथ हुआ है? क्या दुनिया की 2 सबसे प्रतिष्ठित साइंस पत्रिकाओं ने फर्जी डेटा का शिकार होकर एक दवा से जुड़ी गलत जानकारी दुनिया को दे दी है? क्या इस गलती के कारण कोरोना मरीजों की जान बचाने की हमारी क्षमता प्रभावित हुई है? बीते दिनों हुए एक बड़े खुलासे के बाद दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। और इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 जनवरी 2020 से, जब वुहान में एक 61 साल के पुरुष की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक ये कोरोना से हुई पहली मौत थी। ये इस बात को 146 दिन बीत चुके हैं। दुनिया भर में मरने वालों की ज्ञात संख्या बढ़कर 3,88,000 से ज़्यादा हो गई है। कोरोना के इलाज की कोई प्रभावी दवा अभी तक नहीं खोजी जा सकी, कोई वैक्सीन नहीं। दुनिया भर के डॉक्टर अलग अलग कॉम्बिनेशन की दवाओं से मरीजों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास मौजूद दवाओं में कौन असरदार है, इसे लेकर भी लगातार रिसर्च चल रहा है। इसी क्रम में 17 मार्च को फ्रांस से एक खबर आई थी। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स नाम की एक मेडिकल पत्रिका में अपनी रिसर्च छापी। क्या लिखा था इसमें? 2 दवाओं का नाम। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दवाओं का कॉम्बिनेशन देने से कोरोना के कुछ मरीजों के इलाज में मदद मिली। और ये दवाएं कौन सी थी? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जहां मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होती है, वहीं एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन में होता है। फ्रांस से आई ये खबर पॉजिटिव थी, लेकिन इसके साथ एक समस्या थी। वो ये कि इस शोध का सैंपल साइज बहुत छोटा था। केवल 20 मरीजों के सैंपल से आप किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ज़रूरत थी कि इस विषय पर विस्तृत शोध हो। शोध शुरू भी हुए। दवाएं तब और चर्चित हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें प्रमोट करना शुरू कर दिया।
क्योंकि हमारा देश भारत इन दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। सो ट्रंप ने भारत से दवा की ज़्यादा खेप देने का आग्रह भी किया। भारत ने आग्रह माना, दवाओं का उत्पादन बढ़ाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाएँ भेजी जा सके। एक तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर लगातार बातें हो रही थी, लेकिन कई जानकार इसके इस्तेमाल पर संशय भी जता रहे थे। कई चिंताएं थीं, मसलन ये कि क्या ये दवा सच में कारगर है, दवाओं का साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। इन आशंकाओं पर मुहर तब लगी जब दुनिया की दो सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिकाओं ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के असर से जुड़ा शोध छापा। और कौन सी दो पत्रिकाएँ थी ये? एक थी 1823 में शुरू हुई द लैंसेट, जिसका हमने भी कई बार जिक्र किया है। दूसरी थी 1812 में शुरू हुई द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। ये दो जर्नल, इन दोनों का कहना था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल से कोरोना के इलाज में कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि कोरोना मरीजों को ये दवा देने से उनके दिल पर खतरा बढ़ सकता है। लैंसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल, ये दोनों इतने प्रतिष्ठित हैं कि इनकी रिपोर्ट को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। नतीजा क्या हुआ? अलग अलग देशों के चिकित्सा विभाग ने कोरोना मरीजों के इलाज की अपनी पॉलिसी बदली और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 25 मई को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के असर से जुड़े ट्रायल रोकने का ऐलान भी कर दिया। ये था रिपोर्ट का असर, लेकिन रिपोर्ट में कुछ लोचा था। दरअसल लैंसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल दोनों ने अपने शोध के लिए एक ही डेटा यूज़ किया था। ये डेटा बहुत बड़ा था। कितना बड़ा? इसे 6 महाद्वीपों से जुटाया गया था। 20 दिसंबर 2019 से 14 अप्रैल 2020 के बीच अलग अलग देशों के कुल 671 अस्पतालों में भर्ती 96,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों से जुड़े थे आंकड़े। इसमें बताया गया था कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान इन मरीजों को कौन सी दवाएं दी गई और उन दवाओं का असर क्या रहा। बहुत इफेक्टिव डेटा था। समझिए कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को स्टैचू कर दिया, उससे जुड़ा अब तक का सबसे विस्तृत डेटा। और ये डेटा मुहैया किसने कराया? ये उपलब्ध कराया अमरीका के इलिनॉय स्थित एक कंपनी ने, जिसका नाम था सर्जी स्फेयर। और कैसे जमा किया कंपनी ने इतना बड़ा डेटा? कंपनी का दावा कि उसने 671 अस्पतालों को अपना सॉफ्टवेयर बेचा, उस सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम यानी कि EHR से लिंक कर दिया और इस तरह उसके पास रियल टाइम जानकारी पहुंच गई। EHR क्या होता है? किसी मरीज से जुड़ी निजी जानकारियां, उसकी हेल्थ, पिछला हेल्थ रिकॉर्ड, दवाओं का उस पर असर और इस बीमारी के दौरान क्या क्या दवाई दी गई और कैसा रिस्पॉन्स रहा। आपने रिसर्च के बारे में जान लिया, कंपनी क्या कह रही ये भी जान लिया। अब थोड़ा कंपनी के बारे में जान लीजिए। ऑनलाइन जानकारी के मुताबिक 2008 में बनी इस कंपनी में 5 लोग काम करते हैं। कोई बिजनेस डेवलपमेंट का वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में है। कंपनी के स्टाफ में 2 साइंस एडिटर भी हैं, जिनमें से एक के बारे में बताया जा रहा है कि वो साइंस की फैंटेसी वाली कहानियां लिखते हैं। कर्मचारियों की लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिन्हें कंपनी ने तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बताया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स उन्हें एडल्ट मॉडल बता रही हैं। इस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं वैस्कुलर सर्जन सपन देसाई। वो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और मेडिकल रिसर्चर भी। ये तो कंपनी का स्ट्रक्चर हो गया। अब सोचिए कि 671 अस्पतालों का डेटा जुटाने के लिहाज से क्या ये मैन पावर कम नहीं? आप कहेंगे IT का ज़माना है, काफ़ी भी हो सकती है, लेकिन साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ का क्या जो इतने बड़े डेटा की एनालिसिस के लिए ज़रूरी है, वो भी कोरोना के दौर में जब चीज़ें मुश्किल हैं और हर कोई दवा की तरफ देख रहा है। हम मान लेते हैं कि इस विशालकाय नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक लंबी चौड़ी टीम चाहिए, जो सर्जी स्फेयर के पास नहीं है। अगर है भी तो वो दिखा नहीं रहे। इसके अलावा बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। कंपनी की प्रोफाइल बताती है कि इसका कुल कारोबार करीब 34 लाख रुपये मात्र का है। सर्जी स्फेयर पर उठ रहे सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ सवाल इसके द्वारा जमा किए गए डेटा की संदिग्धता से भी जुड़े हैं और कुछ सवाल खुद इस कंपनी को संदिग्ध बताते हैं। क्या हैं बड़े सवाल? पहला, 96,032 कोरोना मरीज कौन थे जिनका डेटा कंपनी ने जमा किया? ये कोई नहीं जानता। वो 671 अस्पताल कौन से थे जिनसे सर्जी स्फेयर ने इन मरीजों का डेटा लिया? ये भी कोई नहीं जानता। ये डेटा कहाँ स्टोर है? ये भी नहीं पता। सर्जी स्फेयर के मुताबिक अस्पतालों के साथ हुए करार के कारण वो ना तो अस्पतालों के नाम जाहिर कर सकता है, ना ही मरीजों की पहचान बता सकता है। ये संदिग्ध जवाब है। इससे एक और आशंका उपजती है, क्या अस्पतालों ने अपने मरीजों को बताए बिना, उनकी इजाज़त के बिना उनसे जुड़ी स्वास्थ्य जानकारियां सर्जी स्फेयर को बेच दी? अगर ऐसा है तो ये अलग से कानूनी जांच का विषय है। दूसरा सवाल, कंपनी दावा करती है कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे रफ्तार वाला हॉस्पिटल डेटाबेस है। ऐसी कंपनी का तो नाम बहुत होना चाहिए, ऑनलाइन उसकी अच्छी खासी मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन सर्जी स्फेयर के पास इसमें से कुछ भी नहीं। अगस्त 2009 में बनाया गया कंपनी का ट्विटर हैंडल, जहां 579 लोगों को फॉलो करता है, वहीं केवल इसके 425 फॉलोअर हैं।
इसमें भी ज़्यादातर फॉलोअर सरजी स्फेयर के साथ हुए विवाद के सामने आने पर जुड़े हैं। तीसरा सवाल जो एक ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के हवाले से है, 1 जून तक सरजी स्फेयर की वेबसाइट के होम पेज पर दिया गया गेट इन टच वाला लिंक आपको क्रिप्टो करेंसी की एक वेबसाइट पर ले जाता था। ऐसा क्यों हो रहा था? अगर आपकी मुख्य वेबसाइट पर दिया गया लिंक जिस पर लोग संपर्क कर सकते हैं वो गड़बड़ है तो दुनिया भर के अस्पताल कंपनी से संपर्क कैसे करते होंगे? चौथा सवाल, सरजी स्फेयर द्वारा मुहैया कराए गए डेटा में कई देशों से जुड़े आंकड़े गलत पाए गए, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया। डेटा के मुताबिक सरजी स्फेयर ने ऑस्ट्रेलिया के 5 अस्पतालों से कोरोना मरीजों की जानकारी ली। इसके मुताबिक 21 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया में 73 लोग कोरोना से मर चुके थे 21 अप्रैल तक, लेकिन ये डेटा गलत है क्योंकि 21 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 67 लोग मरे थे कोरोना से। जब आंकड़ों की ये गड़बड़ मीडिया में रिपोर्ट हुई तो सपन देसाई ने सफाई दी कि एशिया के एक अस्पताल का डेटा गलती से ऑस्ट्रेलिया वाले डेटा में मिल गया था। एक चीज़ में पकड़म पकड़ाई हुई तो गलती बता दी, बाकी डेटा कैसे दुरुस्त मान लिया जाए? एक और सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के जिन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है उन्होंने किसी भी डेटाबेस में मरीजों की जानकारी साझा करने की बात से इनकार किया है। इन अस्पतालों का कहना है कि डेटा साझा करना तो दूर, उन्होंने सरजी स्फेयर का नाम तक नहीं सुना। ये वो सवाल हैं जो सरजी स्फेयर कंपनी और उसके द्वारा दिए गए डेटा से जुड़े हैं। इसके अलावा सपन देसाई के ऊपर भी सवाल है। द साइंटिस्ट मैगजीन ने अपनी तफ्तीश में पाया कि सपन देसाई पर मेडिकल कदाचार से जुड़े 3 मुकदमे दायर हैं और ये तीनों 2019 में उन पर दायर हुए। इसके बारे में पूछे जाने पर सपन देसाई ने कहा कि चूंकि मामला अदालत में है इसलिए वो विस्तार से तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन उन्हें भरोसा है कि उन पर लगाए आरोप बेबुनियाद साबित होंगे। द साइंटिस्ट ने अपनी इस रिपोर्ट में एक और बात लिखी, ये 2008 के घटनाक्रम के बारे में है, वही साल जब सरजी स्फेयर कंपनी शुरू हुई थी। तब इसके द्वारा बनाए गए कुछ मेडिकल प्रोडक्ट अमेजोन पर उपलब्ध थे। उन उत्पादों के रिव्यू लिखने वालों में कई डॉक्टरों के भी नाम थे जिन्हें सरजी स्फेयर के प्रोडक्ट को 5 स्टार की रेटिंग देने वाला माना गया। पता चला कि ये रिव्यू फर्जी हैं, इन्हें असली डॉक्टरों के नाम पर बनाई गई फर्जी प्रोफाइल से पोस्ट किया गया था। इसकी पोल यूं खुली कि रिव्यू के लिए जिन डॉक्टरों के नाम का इस्तेमाल किया गया था उनमें से कुछ की इस पर नज़र पड़ी और फिर उन्होंने अमेजोन से शिकायत करके इन फर्जी रिव्यूज़ को रिमूव करवाया। जानकारों का कहना है कि सरजी स्फेयर से जुड़ी सारी चीज़ें बहुत संदिग्ध हैं, लोग इसे बहुत बड़ा स्कैम बता रहे हैं। इतने कम वक्त में इतना बड़ा डेटाबेस बनाने लायक ना तो उसके पास नेटवर्क, ना संसाधन, ना विशेषज्ञता और ना ही उसका डेटा ठोस। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात क्या कि दुनिया के 2 सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल इस संदिग्ध कंपनी और उसके डेटाबेस पर भरोसा कर रहे हैं, उस डेटा के बेस पर रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं और इस रिसर्च के आधार पर दुनिया भर की सरकार अपनी कोरोना पॉलिसी बदल रही है। अब सवाल उठे हैं तो लैंसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ने डेटा की समीक्षा करने का ऐलान किया। उन्होंने माना कि डेटा से जुड़ी जो शंकाएं उठ रही हैं वो गंभीर हैं। 3 जून को WHO का भी ऐलान आया, उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से जुड़े अपने ट्रायल वापस शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में सरजी स्फेयर और सपन देसाई की हकीकत शायद पता चले, हमारे पास इस डेटा को लेकर शायद स्पष्ट जवाब हो, लेकिन ज़्यादातर जानकारों का कहना है कि डेटा के सही होने की संभावना बहुत कम है। कई लोगों का कहना है कि जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उनसे ये मामला एक क्रिमिनल स्कैम का लगता है जो शायद कोरोना के दौर में कंपनी को लोगों की नज़रों में लाने, रेपुटेशन हासिल करके फ़ायदा कमाने की मंशा से किया गया हो। कई एक्सपर्ट ये ताज्जुब भी जता रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करने वालों ने ये क्यों नहीं सोचा कि इतनी बड़ी स्टडी पर दुनिया भर की मेडिकल एक्सपर्ट्स की नज़र जाएगी और वो इसकी समूची समीक्षा करेंगे। ये था आज का दुनियादारी। आखिरी में हमारे सेक्शन तारीख की बारी। आज है 4 जून और 4 जून के दिन का इतिहास जुड़ा है एक रेड एप्पल से। रेड एप्पल माने समझिए एक प्रतीक, प्रतीक उस चाहत का जिसे पाने की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो दिल में, जैसे वो अवार्ड जिसे हासिल करने की इच्छा शायद दुनिया के हर पत्रकार में होती है। मैं जिक्र कर रहा हूँ पत्रकारिता के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्ज़र अवार्ड का, जिसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। 103 साल पहले आज ही के दिन 4 जून 1917 को पहला पुलित्ज़र अवार्ड दिया गया था। इस सम्मान की परंपरा जुड़ी है जोसेफ पुलित्ज़र से, वो अमरीका के न्यूज़पेपर प्रकाशक थे। उन्होंने अपनी वसीयत में पुलित्ज़र प्राइज की व्यवस्था बनाई थी। उसी व्यवस्था के कारण हर साल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रिपोर्ट्स दुनिया भर में पहचान पाती हैं, सराही जाती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पुलित्ज़र अवार्ड बटोरने वाला मीडिया संस्थान है न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने अब तक कुल 130 पुलित्ज़र अवार्ड जीते हैं। इस रेड एप्पल की जिसकी मैंने उपमा दी एक दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है कॉन्टेस्टाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपोल यानी कि मौजूदा इस्तांबुल शहर की। कोई इसे कॉन्टेस्टिनोपोल कहता है,
कोई कॉन्स्टेंटिनोपल कहता है, बार बार बोलूँगा तो ज़बान और लड़खड़ाएगी, इस्तांबुल से काम चलाते हैं। इस पर एक बहुत धांसू सी डॉक्यू ड्रामा सीरीज़ भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्या है कहानी इस शहर की? कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने इस शहर को रेड एप्पल कहा था और उनकी भविष्यवाणी थी कि एक दिन एक महान मुस्लिम शासक इस रेड एप्पल को ज़रूर जीत लेगा। तो क्या हुआ इस भविष्यवाणी का? जब 1453 में ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मेहमद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता तो ये रेड एप्पल की कहानी कई लोगों को लगा कि सही हो गई। और कई लोग कहते हैं कि कहानियाँ होती हैं, हम अपने हिसाब से उनकी व्याख्याएँ कर लेते हैं। आज का दिन इतिहास की एक और बेहद महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है, उसके जिक्र के बिना तारीख अधूरा रहेगा। 31 साल पहले आज ही के दिन 4 जून 1989 को चीन के थियानमेन स्क्वायर पर चीन की तानाशाही कम्युनिस्ट सरकार ने एक भीषण नरसंहार किया था। उसने निहत्ते छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, गाड़ियों और टैंकों से उन्हें कुचलवा दिया था। इसमें मारे गए लोगों की संख्या 3,000 से लेकर 10,000 के बीच बताई जाती है। उस नरसंहार में मारे गए लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला। शायद चीन में कभी लोकतंत्र आए, शायद लोकतंत्र के इन रक्षकों को तब न्याय मिले। दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में लटक ललन टॉप कहानी, कविताएं, कॉमिक एक्ट। यदि आपके आप पास भी ये हुनर है तो मोबाइल से अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए और भेजिए। कहाँ भेजेंगे? बहुत सिंपल है, इंस्टाग्राम पर जाइए, लटक का पन्ना खोजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके जैसे कई दर्शकों ने वहाँ पर कॉन्टेंट भेजा है, पब्लिश हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। ऐसे ही एक दर्शक जिन्होंने श्रमिकों पर लिखा, भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी का एक गीत अपनी जबान में गाया, अपने सुर में गाया और हमें भेजा। तो देखते रहिए, कविता कहानी कॉमेडी से घिरे रहिए और ललन टॉप के साथ तो आपका साथ बना ही रहना चाहिए। शुक्रिया। भैया ओ भैया मजदूर भैया, भैया ओ भैया मजदूर भैया, कि हम तो बनले किसान, कि हम तो बनले किसान, कि हमर बेटा भूखले सुते हो रा। हल हम जोतिला अन्न उपजाविला, हल हम जोतिला अन्न उपजाविला, अनवा से भरल गोदाम, अनवा से भरल गोदाम, कि हमर बेटा भूखले सुते हो रा। भैया ओ भैया मजदूर भैया, भैया ओ भैया मजदूर।